आपके सामने टाटा की नेक्सॉन ग्रे कलर में XMS मॉडल है। इसका काफ़ी अच्छा मॉडल है और वैल्यू फॉर मनी कार भी है ये, इस मॉडल को मेन। और ये आ गई फ्रंट की ग्रिल, फ्रंट में ही टाटा का लोगो, क्रोम का यूज़ किया गया है आउटलाइनिंग में, काफ़ी अच्छी लग रही है और मस्कुलर भी है काफ़ी। और ये आ गई फ्रंट की लाइट LED प्रोजेक्टर प्लस हेलोजन बल्ब के साथ। DRL नहीं है इसके अंदर, ना इसके अंदर फॉग लैंप है। और ये आ गया इसका टायर, R16 का टायर है इसका, इसके अंदर अलॉय व्हील्स नहीं है, व्हील कवर लगे हुए हैं। और ये आ गया इसका ORVM, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ नहीं है। और ये आ गए इसके हैंडल्स सेम ब्लैक कलर के, बॉडी कलर में नहीं है इसके। और ये आ गई इस वाइट कलर की आउटलाइनिंग, चारों तरफ आपको दिखेगी सेम, काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये आ गया पीछे शार्कबीन एंटीना, स्पॉइलर और उसी के साथ में टेल लाइट, काफ़ी अच्छी लग रही है। और बीच में आ गया नेक्सॉन का लोगो और नीचे आ गया रिफ्लेक्टर। फ्यूल कैपेसिटी 44 लीटर की है इसकी। इसके आगे साइड प्रोफाइल, डोर हैंडल ब्लैक, ORVM भी प्रॉपर ब्लैक कलर में है। अब आ गई कार का फ्रंट लुक, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने पहले भी कहा था काफ़ी मस्कुलर है कार देखने में। अब कार के चलते हैं अंदर, क्या फीचर्स मिलते हैं आपको प्रॉपर दिखाएंगे, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये आ गए विंडो के कंट्रोल प्रॉपर, डोर हैंडल ब्लैक कलर में, अम्ब्रेला होल्डर, ये आ गया थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए, वाटर होल्डर की जगह नहीं है इसके अंदर। अब चलते हैं, सीट एडजस्टमेंट नहीं है, हाइट एडजस्टमेंट आगे पीछे आप कर सकते हो। अब कार के अंदर चलते हैं, बैठ के देखते हैं क्या फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर। और सीट एक ऐसी है इसकी, काफ़ी अच्छी सीट है। ये आ गया इसका स्टेयरिंग, उसी में कंट्रोल दिए गए म्यूजिक सिस्टम के। ये आ गया सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये आ गया म्यूजिक सिस्टम छोटा सा दिया गया है, एसी के वेंट्स, मैनुअल एसी, थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह। ये आ गई गियर नॉब, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ, 6 गियर हैं इसके अंदर। ये आ गए कंट्रोल, इको, स्पोर्ट्स और सिटी मोड, हैंड ब्रेक। ये आ गया थोड़ा बहुत सामान, आमरेश नहीं है इसके अंदर, इस मॉडल में नहीं है। ये आ गया ऊपर माइक, ये आ गया सन वाइज़र, को ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर मिलेगा और ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर। ये आ गया इसका डैशबोर्ड, काफ़ी बड़ा है, 2 कप होल्डर, थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो और काफ़ी अंदर तक है, अच्छा बनाया गया है, काफ़ी बड़ा भी है। ये आ गया इसके सनरूफ के कंट्रोल, 3 बटन्स हैं प्रॉपर। अब इसको खोल के दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा है और छोटा है, पर इस सेगमेंट में यही कार दे रही है सनरूफ और इस प्राइस रेंज में भी। ये आ गए ORVM के कंट्रोल प्रॉपर। अब पीछे की साइड में चलते हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं आपको प्रॉपर दिखाएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे प्रॉपर। ओपन करते ही काफ़ी बड़े साइज़ का इसका डोर है, सिल्वर कलर का इसका हैंडल, डोर ओपनर, विंडो के कंट्रोल, कुशनिंग नहीं है इसके अंदर, प्लास्टिक है प्रॉपर। अब बैठ के देखते हैं 6 फीट के अकॉर्डिंग कैसी है सीटें, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैठने में कंफर्टेबल है। ये आ गया इसके हेडरेस्ट, आगे के एडजस्टमेंट एडजस्ट कर सकते हो, पीछे इसके फिक्स है प्रॉपर। नीचे आ गया इसका एसी वेंट नहीं है, थोड़ा वो सामान रखने की जगह है, काफ़ी डीप है। ये आ गया हब, बड़ा सा डब है इसका। ये आ गया इसका फ्रंट कैबिन, काफ़ी डिसेंट कैबिन है, डुअल टोन की बनाया गया अंदर, ऊपर का सनरूफ काफ़ी अच्छी सनरूफ है पर पूरी नहीं खुलती प्रॉपर। अब चलते हैं पीछे की साइड, बूट में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इसका बटन नहीं लगा हुआ, आप आगे जाके ड्राइवर साइड में, नीचे लीवर भी नहीं है, आगे इसके एक बटन है जिसको आप प्रेस करेंगे। अब चलते हैं पीछे, बूट को आपको दिखाते हैं प्रॉपर, ईजिली आप खोल पाएंगे यहाँ से, काफ़ी अच्छा है। और इतना बड़ा बूट है यार,
मेन इसके अंदर पार्सल ट्रे नहीं है, 350 लीटर का इसका बूट है, काफ़ी बड़ा। ये आगे हुक और लाइट लगी गई है, दोनों साइड इसके हुक लगे हुए हैं, इजीली आप कैरी कर सकते हो कुछ भी सामान। ये आ गया इसका स्पेयर टायर 15 इंचज़ का, टूल किट उसी के ऊपर ही। अब इसको बंद करते हैं, हो जा बंद। टाटा की गाड़ियाँ बंद भी नहीं होती जल्दी से, इतनी हैवी है। ये आ गया इसका इंजन, 1.2 लीटर का इसका पेट्रोल इंजन है, काफ़ी बड़ा साइज़ का इसका इंजन है। वो गाड़ी भी इतनी अच्छी, बड़ी साइज़ की, मस्कुलर। ये आ गया इसका बोनट, इसको बंद करते हैं, इतना हैवी बोनट है। ये हो गया टाटा नेक्सोन का XMS मॉडल का डिटेल रिव्यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होंगे। कैसी लगी कार आपको? मेरे को तो कार बहुत ही बढ़िया लगी। मेन इसके अंदर फीचर्स इतने अच्छे थे, बिल्ड क्वालिटी और भी बढ़िया, ग्लोबल टेस्ट ने 5-स्टार रेटिंग दी गई है, और जो अदर फीचर्स भी मेरे को और भी अच्छे लगे। मेन अदर कार कंपैरिजन को करें तो इस कार में आपको वैल्यू फॉर प्राइस के अकॉर्डिंग फीचर्स भी आपको फुली लोडेड मिलेंगे। मेन जो ज़रूरत के फीचर्स थे वो सारे के सारे मिल रहे थे। मेन इसके अंदर आपने देखा होगा जो इसके अंदर स्क्रीन थी वो काफ़ी छोटी थी, और तो कोई मेरे को चीज़ बेकार लगी नहीं कार में। मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगी कार, आपको भी अच्छी लगेगी। देखें आप इस वीडियो को पूरा प्रॉपर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, डेली आएंगी। अब तो मैं एक तरह से प्रॉपर एक फ्री हो गया हूँ, मेरे एग्ज़ाम थे इसलिए मैं वीडियो प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूँ। अब आपको प्रॉपर एक वीडियो मिलेगी। ओके, बाय।